क्यों परेशान हो रही हो तुम? बुलाया है मैंने उसे, अभी तुम्हारे सामने बात करता हूं। आ जाओ। जी बाबा, बुलाया। बेटा, क्यों अपनी मां को परेशान कर रहे हो तुम? क्या मां बाप का इतना भी हक नहीं होता औलाद पे कि अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपनी औलाद की शादी कर सके? माशाल्लाह, तुम तो दीन की तरफ राग़िब हो, तुम्हें तो ये बात बहुत आसानी से समझनी चाहिए। जी बाबा, मैं समझता, ये भी समझता हूँ कि इस्लाम मुझे हक देता है कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूँ, अपनी पसंद की शादी करूँ। अच्छा, बहस करते रहोगे हम लोगों से, मान नहीं सकते हमारी बात। अम्मी, आपका मेरी जिंदगी में पूरा इख्तियार है, इस बात से मैंने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन जो चीज आप मुझसे मांग रही हैं उस पर मेरा इख्तियार नहीं है, मेरा दिल नहीं मानता। मैं फातिमा से शादी करना चाहता हूं और मैं उसी के साथ खुश रहूंगा। और अगर आप समझ रही हैं कि मैं किसी और से शादी करके उसके साथ खुश रह सकूंगा तो नहीं, और आप हम दोनों की जिंदगी बर्बाद करेंगे, इस बात को समझें। फातिमा, 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 ये सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं, अब मैं ये नाम तुम्हारे मुंह से ना सुनूं। बस कान खोलकर तुम सुन लो, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया और तुम्हें वही शादी करनी होगी। ठीक है, अपनी मर्जी से आपने अगर रिश्ता तय कर लिया तो बारात भी अपनी मर्जी से ले जाएगा, लेकिन मुझसे कोई अच्छी की उम्मीद मत रखना इसके बाद। देख रहे हैं अपने बेटे को किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हैं? एक बच्चे की माँ है वो, तुम्हें ये बात ही नहीं समझ में आ रही? ना तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल और ना ही हमारी, चाहते क्या हो तुम? बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, फातिमा किसी से शादी नहीं करना चाहती, वो अपने बेटे के साथ जिंदगी गुजारना चाहती। फिक्र आप ना करें, उसे मैं मना लूं। उमर, मैंने हमेशा हर जिद तुम्हारी पूरी की, मगर इस बार नहीं मानूंगी, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, और अगर नहीं मानी ना तो क्या? आप तो अपनी मर्जी कर रही हैं, लेकिन मैं भी अपनी मर्जी करूंगा, शादी तो मैं सिर्फ और सिर्फ फातिमा से करूंगा।